स्टूडेंट्स, आज हम बूलियन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बूलियन फंक्शन। तो देखते हैं बूलियन फंक्शन क्या होता है। ए बूलियन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट इज डिस्क्राइब्ड बाई एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है देखो, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स जीरोस एंड वंस, ठीक है, जीरोस एंड वंस एंड द लॉजिक ऑपरेशन सिंबल्स। तो बूलियन फंक्शन क्या होता है? बूलियन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड एज बूलियन एक्सप्रेशन। और बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स। जैसे हम इनपुट वेरिएबल लेते थे ए बी सी, जीरो एंड वंस, ए बी सी की वैल्यू जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो वन हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। एंड लॉजिक ऑपरेशन सिंबल्स क्या हो गया? जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, इन्वर्जन, ये हो गया। तो मान लीजिए हमने बूलियन फंक्शन है एफ एक बूलियन फंक्शन है जिसके अंदर क्या है? तीन वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है। तो ये मान लीजिए से ये क्या है? एक बूलियन, ये क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है वी बार सी, ठीक है। ये बूलियन फंक्शन है, ये क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है। इसके अंदर क्या है? कुछ वेरिएबल्स हैं, वंस हैं, जीरोज हैं। वन ये क्या कर रहा है? बी बार क्या कर रहा है? बी को कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट को। और ये क्या है? ऑपरेशन, ऑपरेटर सिंबल्स हैं। ये भी क्या है? किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इन्वर्जन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऑपरेशन को। तो ये क्या होता है? बूलियन फंक्शन होता है, ठीक। एक कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है, एक जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टू वेज, फर्स्ट इज एसओपी एंड सेकेंड इज पीओएस। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरी नेक्स्ट क्या है? पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो एसओपी एंड पीओएस ये क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या है एसओपी फॉर्म? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एसओपी एक्सप्रेशन क्या होता है? एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन, द एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर एंड टर्म्स। मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म्स। जैसे ए बी क्या है? एक प्रोडक्ट टर्म है। ए बी सी क्या है? एक प्रोडक्ट टर्म है। तो ऐसे क्या होता है? द एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर एंड टर्म्स विच आर समड बोल लो या फिर ऑर्ड टूगेदर। कुछ प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं जिनको क्या किया है? हमने सम किया, ठीक है। जैसे एग्जांपल एफ बराबर ए डॉट बी वर, तो ये क्या प्रोडक्ट टर्म है?
ठीक है। प्रोडक्ट टर्म के अंदर वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आगे देखेंगे अभी। बी सी प्लस ए सी, तो ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, और इन सबको क्या किया हमने, और सम किया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एसओपी फॉर्म कब यूज करते हैं हम, तो एसओपी फॉर्म विल बी यूज्ड व्हेन लॉजिक सर्किट आउटपुट इज वन। एसओपी फॉर्म इज यूज्ड व्हेन लॉजिक सर्किट आउटपुट इज वन और या फिर हाई, ठीक है। तो ये एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नाम से देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, कुछ प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनका क्या किया गया हमने, जिनका क्या किया है सम किया है, जिनको क्या किया है ऐड किया गया है, जिनके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है ना। प्रोडक्ट टर्म्स आर ऑर्ड टूगेदर, और ये कब यूज करते हैं, जब लॉजिक सर्किट आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट जो है टर्म है वो है हमारा पीओएस एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये इसको क्या बोलते हैं, पीओएस, ठीक है। तो इधर से पढ़ते हैं क्या मतलब निकलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, कुछ सम टर्म्स हैं जिनका क्या किया हमने, प्रोडक्ट किया है। तो डेफिनेशन देखते हैं, द पीओएस फॉर्म, द पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर और टर्म्स, और टर्म्स का मतलब, और टर्म्स का मतलब क्या है, सम टर्म्स, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो द पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर टर्म्स और टर्म्स विच आर एंडेड टूगेदर, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट टर्म्स हैं, कुछ सम टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, एफ बराबर ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, वेरिएबल जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ए बार प्लस सी, है ना। तो पीओएस एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं, व्हेन सर्किट आउटपुट इज जीरो या फिर लो, है ना। तो ये इस इन दो तरीकों से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, एसओपी मेथड यूज करके या पीओएस मेथड को यूज करके। एसओपी मेथड कब यूज करेंगे, जब लॉजिक सर्किट आउटपुट क्या हो, वन हो, और पीओएस कब यूज करेंगे, जब लॉजिक सर्किट आउटपुट क्या हो, जीरो हो। कोई भी एक ट्रुथ टेबल ले लें हम, मान लीजिए ये एक ट्रुथ टेबल है, मान लीजिए इसके लिए आउटपुट आता है 0101, ठीक है। तो इसके आउटपुट के अंदर क्या है, वंस भी हैं और जीरोस भी हैं, तो अगर हमें एसओपी लिखना है तो इस इनके लिए लिखेंगे, और पीओएस लिखना है तो इन जीरोस के लिए लिखेंगे। थैंक यू।